महिला सिपाही के साथ कानपुर के एक होटल में पकड़े गए उन्नाव के डिप्टी एसपी, फिर जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई तो उन्हें डिप्टी एसपी यानी तत्कालीन सीओ से सीधा सिपाही बना दिया गया। जी हाँ, आमतौर पर सरकारी पुलिस की नौकरी में लोगों का प्रमोशन होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक पुलिस अधिकारी का डिमोशन हो गया है और वो डिप्टी एसपी से सीधा कांस्टेबल बन गए हैं। दरअसल उन्नाव के तत्कालीन सीओ कृपाशंकर कनौजिया को उनकी हरकतों की वजह से और पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में डिमोशन कर अधिकारी से सिपाही बना दिया गया है। ये मामला जुलाई 2021 का है। रिपोर्ट के मुताबिक कृपाशंकर कनौजिया ने 6 जुलाई 2021 को उन्नाव के एसपी से पारिवारिक वजहों से छुट्टी मांगी थी। इसके बाद वो जुलाई 2021 से ही लापता हो गए थे और बाद में पता चला कि छुट्टी मंजूर होने के बाद वो घर जाने की बजाय कहीं और चले गए। इस दौरान सीओ ने अपने प्राइवेट और सरकारी दोनों मोबाइल नंबर बंद कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ कृपाशंकर का नंबर बंद आने की वजह से परेशान पत्नी ने जानकारी हासिल की तो उन्हें पता चला कि उनके पति छुट्टी लेकर घर के लिए निकले थे लेकिन पहुँचे नहीं। इस पर पत्नी ने एसपी उन्नाव को फोन करके मदद मांग ली। पत्नी की शिकायत पर एसपी ने भी जब जांच पड़ताल की तो सारा भेद खुल गया। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए उन्नाव के एसपी ने सीओ कृपाशंकर का पता लगाने के लिए सर्विलांस टीम को काम पर लगाया। इस दौरान पता चला कि सीओ कृपाशंकर कनौजिया का मोबाइल नेटवर्क कानपुर के एक होटल में आकर बंद हो गया था। इस पर पुलिस की टीम ने कानपुर के फील खाना थाना क्षेत्र के होटल मंदाकिनी में पहुंचकर पूछताछ की। यहां सीओ और महिला सिपाही दोनों एक ही रूम में मिले। पुलिस ने सीओ से पूछताछ की तो पता चला वो छुट्टी लेकर आए हैं और उनके साथ मिली महिला सिपाही बालिग हैं और दोनों ने अपने अपने पहचान पत्र होटल को दिए थे। ऐसे में पुलिस टीम जानकारी लेकर लौट गई। बताया जा रहा है कि सबूत के तौर पर उन्नाव पुलिस सीओ से जुड़े वीडियो भी अपने साथ ले गई। इस घटना के बाद कुछ सीसीटीवी फुटेज और वीडियो भी वायरल हुए थे और इस घटना से विभाग की खूब किरकिरी भी हुई थी। इस चर्चित मामले में लंबी चौड़ी जांच पड़ताल के बाद अब एक्शन लिया गया है। इस तरह का किस्सा सामने आने के बाद राज्य सरकार और शासन ने पूरे मामले की समीक्षा की और फिर कृपाशंकर कनौजिया को रिवर्ट करके फिर से सिपाही बनाने की सिफारिश की, जिसके बाद एडीजी प्रशासन ने सीओ को सिपाही बनाने का आदेश जारी कर दिया। उन्नाव में बीघापुर के सीओ रहे कृपाशंकर कनौजिया को अब सिपाही बना दिया गया है और उनकी तैनाती 26वीं पीएसी वाहिनी गोरखपुर में किया गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।